जैसे कि बहू भूमि बहुत ही साधारण परिवार से थी। वो बहुत ही सीधी और पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन वो मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास जस्सी उसे आवाज देते हुए कमरे से नीचे आती है। हमारे घर में पता नहीं कहां से भक्तन आ गई है, जिसकी पूजा ही दिन रात चलती रहती है। ओ जाने दे माँ, अरे भूमि की पूजा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो आप? अरे करने दो, ये उसकी इच्छा है। इसकी पूजा के चक्कर में रोज सुबह मेरी नींद खराब हो जाती है, इसीलिए मुझे दिक्कत है। अरे माँ, जब ये घर हमारा है तो उतना उसका भी तो है। अरे हम उसे मना तो नहीं कर सकते, वैसे भी भूमि राम की बहुत बड़ी भक्त है। ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बात सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे आस पड़ोस वालों को भी पता है कि मेरी बहू राम की बहुत बड़ी भक्त है, क्योंकि जब इसने राम की मूर्ति को घर में स्थापित किया था तो सभी मोहल्ले वालों को बुलाया था। मेरे को याद है, मैंने भी तो फोन करके ऑफिस से कर बुलाया था। माँ जी प्रसाद लीजिए। हाँ ठीक है, रख दे मंदिर में, बाद में खा लूंगी। माँ जी प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, वरना पाप पड़ता है पाप। अरे मेरी भक्तन बहू, मैंने प्रसाद लेने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं है, और अगर मैंने बिना नहाए तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद ले लिया तो तू फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं आपके हिस्से का प्रसाद मंदिर में रख देती हूँ, आप बाद में खा लेना। हाँ ठीक है, खा लूंगी। अभी तू मुझे ये बता कि नाश्ते में क्या बना रही है। माँ जी मैं ये सोच रही थी कि आज खीर पूरी बना लूँ। तू पागल हो गई है, नाश्ते में खीर पूरी कौन खाएगा? एकदम चटपटा सा ऑमलेट बना, तीखा सा। माँ जी सुबह सुबह अंडे कौन खाता है? बहू ये सोच कि मैंने अभी सिर्फ तुझे ऑमलेट बनाने को कहा है और कुछ नहीं, वरना हम पंजाबियों के घर में हर टाइम तड़कता फड़कता ही खाना बनता है। हाँ भूमि जल्दी बना दे यार, मेनू भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी ठीक है मैं जाती हूँ। भूमि इतना कहकर रसोई में जाती है और पहले राम जी को भोग लगाने के लिए खीर पूड़ी बनाकर मंदिर में रख देती है, और दोबारा रसोई में जाकर ऑमलेट तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और दोबारा से नहा धोकर नीचे आती है। तभी उसकी सास फिर बोलती है, ये क्या बहू तूने फिर साड़ी बदल ली? सुबह जो साड़ी पहनी थी वो भी अच्छी लग रही थी, क्या जरूरत है बदलने की? माँ जी मुझे राम जी को भोग लगाना था और आप लोगों ने मुझसे ऑमलेट बनवा लिया था तो मुझे दोबारा नहाना पड़ा। इतनी सर्दी में तबीयत खराब होगी तो मेरे पास मत आना, तेरे जैसी भक्तन बहू की हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। माँ जी आपने अभी तक सुबह वाले कपड़े ही पहने हुए हैं, आप अभी तक नहाए नहीं क्या? मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ ना, जो हर टाइम नहाते रहूं, अभी कल ही तो नहाया, जरूरी नहीं है कि रोज नहाया जाए। जस्सी और भूमि की सारी बातें उनकी पड़ोसन शांति सुन लेती है और अंदर आकर बोलती है, बहू तू कहाँ रावण राज में राम मंदिर और उसकी पूजा पाठ की बातें कर रही है? आज तक तेरी सास ने कभी कोई अच्छा काम किया है जो आज करेगी? शांति तू कहना क्या चाहती है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तेरी बहू ने तेरे घर में राम मंदिर स्थापित किया हुआ है, और तू है कि घर में बिना नहाए घूम रही है, तेरा बेटा बैठा ऑमलेट खा रहा है। तो क्या करे, खाना पीना छोड़ दे, साधु बन जाए, ये सब चीजें हमेशा से ही खाते आए हैं। एक इंसान के लिए हम अपना रहन सहन तो नहीं बदल सकते हैं। सही बात है, रहन सहन नहीं बदल सकती है, लेकिन अपनी बहू का साथ तो दे सकती है ना। घर में एक ही पुजारी बहुत है, सबको होने की जरूरत नहीं है। जाने दीजिए आंटी जी, वैसे भी पूजा दिल से होती है, जबरदस्ती नहीं। भूमि इतना कहकर मंदिर की ओर चली जाती है और शांति अपने घर। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन दिलेर और जस्सी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जिसमें 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर भूमि बोलती है, ये तो राम जी की जन्मभूमि है, मुझे भी इस त्योहार को सामने से देखना है, मुझे भी अयोध्या जाना है। तेनू पता भी है किन्नी भीड़ है उधर, किन्नी दूर दूर से लोग आ रहे ने, और तू कह रही है कि पास से देखना है तेनू। मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ, मुझे बस अयोध्या लेकर चलिए, मुझे अयोध्या जाना है। देख यार, हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए, तो मैंने ना मनाली जाने का प्लान बनाया है, समझी? नहीं मुझे मनाली नहीं जाना, मुझे राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना है। ओ यार मैं मनाली की टिकट बुक करा चुका हूँ, वही जाना है हमने, और मैं अपना मनाली का प्लान कैंसिल नहीं करूँगा। माँ जी
आप ही इनको बोलिए ना, मुझे मनाली ना लेकर जाए, मुझे अयोध्या जाना है। अपनी बहू को अयोध्या जाने के लिए इतना परेशान होते देखकर वो अपने बेटे को समझाती है। दिलेर भी अपनी माँ को मना नहीं कर पाता और कुछ दिनों बाद वो भूमि को लेकर अपनी गाड़ी से अयोध्या के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और दोनों मदद मांगने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वेखा, सफर शुरू होने से पहला ही मुसीबत आ गई। भगवान भी यही चाहता है कि अमना आए दर्शन करने। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम मुसीबतों का सामना करके उनके दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं या नहीं। यार, दूर दूर तक एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा, और हम लोग कैसे जाएंगे, तू दस मेनू। आप गुस्सा मत करिए, हम पैदल आगे बढ़ते हैं, शायद कोई मिल जाए मदद के लिए। ओ यार, मैं तो पहले ही मना कर रहा सी कि नहीं जाना अयोध्या, तेरे ही उत्ते भूत सवार हो जाता है, अब मर ठंड विच। दिलेर भूमि को सुनाते हुए आगे बढ़ता है। काफी दूर चलने के बाद भी उन्हें मदद के लिए कोई नहीं मिलता। तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर कर चाकू दिखाकर उनका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। ये सब देखकर दिलेर का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। अरे बस यही बाकी रह गया था, क्या साथ दिया तेरे राम जी ने, पहले गाड़ी खराब होगी, फिर चोरा ने बेच दिता, अब तो बिल्कुल कंगाल हो गए सी हम। ओ यार, कुछ नहीं बचा, अब किवें पहुंचेंगे असी अयोध्या। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसे बीच रास्ते में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ओ वेक यार, तू अपना मुंह बंद कर, मेरा दिमाग ना खराब करी, वो एक रुपया नहीं है मेरे कोल अब। हम अयोध्या जरूर पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है राम जी हमारी मदद जरूर करेंगे। तेनू तेरे राम पे इतना भरोसा है ना, तो अनु कह दे अपना उड़न खटोला भेजे और सानू पहुंचा दे अयोध्या। हे राम जी, मैं बिना आपके दर्शन किए वापस नहीं लौटना चाहती, हमारी मदद करिए, अगर मेरी भक्ति में शक्ति लगती है आपको, आप हमारी मदद जरूर करेंगे। भूमि आंखें बंद करके राम जी से अपनी मदद की प्रार्थना कर रही थी, तभी सामने से एक यात्रियों की बस आती नजर आती है, जो कि राम जी के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। तभी भूमि अपनी आंखें खोलकर बस के आगे हाथ हिलाते हुए बस रोकने का इशारा करती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? आंटी जी, वो मैं अपने पति के साथ अयोध्या जाने के लिए निकली थी, राम जी के दर्शन के लिए, लेकिन रास्ते में पहले हमारी गाड़ी खराब हो गई, कुछ चोरों ने हमारा सारा सामान चुरा लिया, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा हम अयोध्या कैसे जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने साथ अयोध्या लेकर जाएंगे, ये बस भी अयोध्या ही जा रही है, 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में शामिल होने के लिए। आंटी जी, हम भी वहाँ जा रहे हैं। तब तो तुम्हारी सारी परेशानी ही दूर हो गई, तुम हमारे साथ निश्चिंत होकर चल सकती हो। औरत की बात सुनकर दिलेर की आंखें झुक जाती है और उसे अपनी पत्नी की भक्ति पर भरोसा हो जाता है कि जो भगवान पर सच्ची आस्था रखता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जिसके बाद वो बिल्कुल साफ मन से अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की यात्रा को पूर्ण करता है और साथ ही राम मंदिर पहुंचकर अपनी नादानी की क्षमा भी मांगता है। मोहन अपनी पत्नी विभा के साथ रहा करता था। मोहन की शादी को लगभग 4 साल हो गए थे, पर उसको अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, बस इसीलिए वो दूसरी शादी करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और अगले 2 साल बाद भी उसकी दूसरी बीवी को भी कोई बच्चा नहीं होता। बस यही जानने के लिए मोहन डॉक्टर के पास जाता है और अपनी तीनों बीवियों के साथ खुद का भी चेकअप करवाता है, जहां उसको डॉक्टर से पता चलता है। मोहन जी, प्रॉब्लम आपकी पत्नियों में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम तो आप में है, आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर चला आता है। मोहन काफी उदास था, अपने पति को ऐसे उदास देखकर मोहन की तीनों बीवियां आपस में बात करती हैं। रानी, निशा, मैं सच कहूँ तो मुझे माँ बनने का सुख चाहिए। पर दीदी, आपको तो पता है कि प्रॉब्लम्स हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे पति के अंदर है, और कौन सी औरत होगी जिसको माँ बनने का सुख नहीं चाहिए। अब जब हमारे पति में ही प्रॉब्लम है तो हम। अरे तो क्या हुआ, उनमें चाहे कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर हमारा फर्ज है कि हम उनकी इस परेशानी में उन्हें अकेला ना छोड़े। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम तीनों एक बच्चे को गोद ले लें। वैसे निशा, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, हमें एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए, इसी बहाने हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगेंगी। रानी और विभा निशा की बातों से सहमत होती हैं
और अगले कुछ ही दिनों में वो सभी मिलकर एक लड़की को गोद ले लेती हैं, जिसका नाम वो लोग करण रखते हैं। समय गुजरता है और करण को उसकी तीनों माँ बहुत प्यार देती हैं। देखते ही देखते 25 साल गुजर जाते हैं और बहुत जल्द अब करण शादी करके नीतू को घर लेकर आता है। आज नीतू की पहली रसोई थी। उसकी पहली रसोई में क्या बनेगा, बस यही जानने के लिए नीतू अपनी तीनों सासों के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो आज मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू आज तो खाने में पास्ता या बर्गर बना ले, वैसे भी करण को पास्ता या बर्गर बहुत पसंद है। जी जी कैसी बात कर रही हो आप, भला सुबह सुबह ये कोई चीज है खाने की? और रहे पसंद की बात, तो करण को तो छोले भटूरे भी बहुत पसंद है, उस नाते तो बहू को छोले भटूरे बनाने चाहिए। बहू एक काम कर, तू ये पास्ता वास्ता छोड़ बल्कि छोले भटूरे बना ले। ऐसे कैसे छोले भटूरे बना ले? सुबह सुबह लोग भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है, इसलिए बहू तो सिंपल और सादा खाना बनाएगी। नीतू बहू एक काम कर, तू सादा सा हलवा पूरी सब्जी और खीर बना दे, उसी में भगवान का भोग भी लग जाएगा, ठीक है ना? जी माँ जी मैं अभी बना देती हूँ। अरे ऐसे कैसे बना लेती हूँ? बहू तू मेरी ही पसंद का खाना बनाएगी, आखिर मैंने करण की इतनी सेवा जो की है तो उसके नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी बड़ी सास की बात मानो। अच्छा तो उस नाते तो मैं भी इस घर की सबसे बड़ी जो हूँ तो बहू को मेरी ही बात माननी चाहिए। बहू ऐसा कर, मैं बड़ी हूँ ना तो तू एक काम कर, तू मेरी पसंद का ही खाना बना ले। ये कोई बात नहीं होती जी, अगर देखा जाए तो मैंने करण को गोद लेने की बात कही थी, तो इस हक से सबसे पहला हक तो मेरा बनता है ना। वो सभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर करण और मोहन आ जाते हैं और उनको इस तरह से लड़ते झगड़ते देखकर करण अपनी पत्नी नीतू से बोलता है, नीतू तुम एक काम करो, तुम ना किसी की मत सुनो और मेरी मानो ना, तुम तीनों माँ की पसंद का खाना बना दो। ऐसे कैसे बना दो? अरे वो लड़की है कोई मशीन नहीं जो सब कुछ बना दे। बहू तुम किसी की मत सुनो, अगर तुम इनकी सुनोगी तो पागल ही हो जाओगी, मेरी मानो तो इन तीनों की एक एक पसंद का खाना बना दो, इस तरह से इनका मुंह भी नहीं बनेगा और इनकी पसंद का खाना भी बन जाएगा। इस तरह से अब नीतू अपनी तीनों सासों की एक एक पसंद का खाना बनाती है और इसी के साथ नीतू की पहली रसोई हो जाती है और सभी उसके खाने की बेहद तारीफ भी करते हैं। खाने के बाद अब सभी लोग नीतू को उपहार के साथ बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। इसी तरह से अब उनका खुशहाल जीवन गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन नीतू अपनी कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर निशा अपने हाथों में तेल ले आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तुम मेरे सर में तेल लगाकर मेरे सर की मालिश कर देगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपके सर की अभी मालिश कर देती हूँ। नीतू अब अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगती है, तभी वहाँ नीतू की बीच वाली सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तू यहाँ अपनी तीसरी सास को तेल लगा रही है, चल अब छोड़ इसको। मैं क्या कह रही थी कि तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए तू मेरे साथ मार्केट चल, वहाँ चलकर तू मुझे तेरी पसंद की साड़ियाँ दिला दे कुछ। पर माँ जी मैंने अभी ही माँ के सर में तेल लगाना शुरू किया है। छोड़ ना बहू, आकर लगा देना तेल। अरे ऐसे कैसे बाद में लगा दियो, तुमसे पहले मैं यहाँ आई थी तो बहू मेरे ही तेल लगाएगी, जब मेरे सर की मालिश हो जाएगी तब तुम इसको अपने साथ ले जाना। जी नहीं, मैं इसको अभी और इसी वक्त अपने साथ लेकर जाऊंगी, चल बहू। वो खुद से बात उसकी ये बात सुनकर पड़ोसन किचन में जाती है और नीतू से चावल मांगती है। नीतू अब उसे चावल दे देती है, तभी पड़ोसन नीतू को भड़काने की सोचती है, क्या बहू तेरे घर से तो बहुत आवाजें आती हैं, लगता है तेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है। खैर तू तो ये सब अभी देख रही है, तुझे पता भी है मैं तो यहाँ कब से रह रही हूँ, जब से रह रही हूँ तब से सुन रही हूँ ये सारी चीजें। तेरी शादी से पहले काफी आवाजें आया करती थी, लगता है तेरी सासों के बीच में बनती नहीं है। हाँ वैसे बनेगी भी क्यों, आखिर वो तीनों है तो सौतन ही ना। आंटी जी भले ही आप यहाँ शुरू से रहती हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरी सास कभी आपस में लड़ नहीं सकती। और रही बात सौतन की, तो मैं आपको बता दूं कि भले ही वो तीनों सौतन हो पर उनमें बहनों से भी ज्यादा प्यार है, इसलिए आप मुझे मेरी सासों के बारे में ना ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो बस तुझे बता रही थी, बाकी मुझे क्या, तेरे घर का मामला है मैं क्यों बोलूं। जी आंटी जी ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा है, लीजिए आपके चावल।
पड़ोसन चावल लेकर वहाँ से चली जाती है, पर ये सब कुछ कुछ दूर खड़ी निशा सुन लेती है। अपनी बहू के मुंह से अपने बारे में ऐसी बात सुनकर निशा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद निशा रानी और विभा के पास जाती है और आज की बात अपनी दोनों बहन जैसी सौतन को भी बताती है। ये सुनने के बाद अब उन तीनों को ही अपनी बहू पर काफी गर्व होता है। थोड़ी देर बाद जब नीतू अपनी सास के पास बैठती है, तब उसकी सास उसको सारी बात बताते हुए धन्यवाद करती है, जिसके बाद नीतू अपनी सासों से कहती है, माँ जी मैं हूँ तीन सासों की एक बहू। रश्मि के पिता एक रिटायर ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी बेटी रश्मि को बहुत नाजों से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। समय बीतता है, समय के साथ वो रश्मि की शादी एक आशीष नाम के लड़के से करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। रश्मि की सास देव की बहुत गुस्से वाली थी। उन्हें रश्मि का किया हुआ कोई भी काम जल्दी पसंद नहीं आता था। एक दिन सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी रश्मि सबके लिए जली हुई रोटियां लेकर आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू आज कौन सा काम करने लग गई थी जो आज फिर से तूने रोटियां जला दी। बहू तेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन तू रोटियां ना जलाए। तू तो बिल्कुल मेरी रोटियां जलाने वाली बहू बन गई है। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन तूने हमें अच्छी और बिना जली हुई रोटियां खिलाई होंगी। जाने दो माँ, धीरे धीरे सीख जाएगी, बाकी सारे काम तो कर ही लेती है ना, जल्दी रोटियां बनाना भी सीख जाएगी। अब आपके गुस्सा करने से तो अच्छी रोटियां बन नहीं जाएंगी, अब खानी है तो हमें यही जली हुई रोटियां खानी पड़ेंगी ना। ये सारी तेरी ही गलती है, जब देखो तब हमेशा अपनी बीबी की साइड लेता रहता है, हमेशा उसकी गलती छुपाता रहता है, कभी सही का भी साथ दे दिया कर और तू भी अपनी बीबी को कुछ बोल लिया कर। माँ जी, आशीष जी, आप लोग आपस में बहस मत करिए मेरी वजह से। देखिए पहले से कम जली हैं रोटियाँ, मैं जल्दी ही अच्छी और सुंदर रोटियाँ बनाना सीख जाऊंगी। ये बात तो तू जब से आई है इस घर में शादी करके तब से बोल रही है, कोई आज नई बात नहीं है। जब इस घर में आई थी तब तो तुझे ठीक से बेलन भी पकड़ना नहीं आता था। खैर छोड़ो, भर गया मेरा पेट ये जली हुई रोटियाँ देख कर। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, गलती तेरी नहीं है। माँ होती तभी तो ये सब सिखाती, अकेला बाप क्या क्या सिखा पाएगा। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर रश्मि भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी आशीष भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, यार मैं तो रोज रोज तुम दोनों सास बहू की लड़ाई देख देख कर परेशान हो गया हूँ। एक छोटी सी बात को लेकर हमेशा बहस होती रहती है। चुप हो जाओ यार, मैं जानता हूँ तुम्हें माँ की बातों का बुरा लगा है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। बात सॉरी की नहीं है, लेकिन जब माँ जी को पता है मेरे माँ बाप कोई नहीं है तो वो मुझे उनके नाम से क्यों ताने मारती है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत नाजों से पाला है, उन्होंने मुझे कभी घर के काम नहीं करने दिए, तो खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनवाया मुझसे कभी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो माँ कितने गुस्से वाली हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही हैं। मैं समझती हूँ आपकी बातें, इसलिए आज तक मैंने कभी माँ जी की किसी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जब उन्होंने मेरे माँ बाप को लेकर मुझे सुनाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने घर में खुद से एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती। आपके घर में आने के बाद मैंने सभी काम करने सीखे हैं और आगे भी कर लूंगी, लेकिन रोटियां बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, जो होना था हो गया, अब क्या बोलूं मैं तुम दोनों के बीच में। तुम्हारी तरफ से बोलूं तो माँ गुस्सा हो जाए, उनका साथ दूं तो तुम्हें दुख होता है। आशीष इतना कहकर चुपचाप जाकर सो जाता है। समय बीतता है और रश्मि की लाख कोशिशों के बाद भी वो अच्छी रोटियां बनाना सीख नहीं पाती, जिसके चलते उसे हमेशा देवकी से ताने सुनने पड़ते हैं। एक रोज रश्मि घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी ननद गीता अपने पति धीरज के साथ मायके आती है और उससे कहती है, भाभी सफाई वफाई बाद में करना, जल्दी से पहले खाना खिला दो, बहुत जोर से भूख लगी है और आप तो जानती हो ना कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए तो आप घर का देसी खाना ही बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी। भाभी तो आप मेरे लिए अलग से मेहनत क्यों करेंगी, मेरे लिए भी वही बना दीजिए, हम आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे। भाभी खाने का तो ठीक है, लेकिन माँ और भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज तो भैया की छुट्टी होती है, यही सोचकर तो हम आए हैं कि उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, वरना बाकी के दिनों में बात भी नहीं हो पाती है। दीदी वो आशीष जी माँ जी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गए हैं, काफी देर के गए हुए हैं, अब तो आने वाले ही होंगे। ठीक है आप लोग बैठे, मैं खाना बना कर लेकर आती हूँ।
रश्मि इतना कहकर अपना सारा काम छोड़कर रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। गीता और धीरज खाना खा ही रहे होते हैं तभी देवकी और आशीष भी वहां आ जाते हैं और देवकी फिर से डाइनिंग टेबल पर जली रोटियां रखी देखती है तो फिर से उसे सुनाते हुए कहती है, बहू तू अपने घर वालों को जली हुई रोटियां खिला रही थी, वो कम था, आज जो अब इस घर के दामाद को भी ये जली हुई रोटियां खिला रही है। पता नहीं कौन से फूटे कर्म किए थे जो ऐसी रोटियां जलाने वाली बहू मिली है मुझे। माँ घर वालों के सामने तो सुनाती ही रहती हो, कम से कम बाहर वालों के सामने तो अपनी बहू की थोड़ी इज्जत कर लो। बेटा इतनी धीरे आवाज में क्यों बोल रहा है, अब जिसका काम जैसा होगा उसकी तारीफ भी तो वैसी ही होगी ना। जब तेरी बीबी को जली हुई रोटियां बनाने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है तो वही बोलूंगी ना। कोई बात नहीं माँ जी, हमें तो पता ही है कि भाभी जी ठीक से रोटियां नहीं बना पाती है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात तो ये है कि भाभी जी बहुत फास्ट खाना बनाती है, हम कहीं और होते ना तो भूखे ही रह जाते। हाँ माँ, धीरज जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे, भाभी ने बहुत जल्दी खाना बना दिया वरना हमें भूखे ही जाना पड़ता। बेशक उनकी रोटियां जली हुई थी लेकिन खाना बहुत अच्छा था, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। अच्छा हम चलते हैं माँ, फिर आएंगे। गीता और धीरज इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद देवकी भी अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक रोज देवकी की सास कामिनी गांव से उसके घर आती है, तभी रश्मि सभी के लिए खाना बनाने चली जाती है। देवकी उसके पास आती है और कहती है, बहू तू सारा खाना बना लियो लेकिन रोटी छोड़ दियो, उसे मैं बना लूंगी, वरना तेरी दादी सास गांव जाकर पूरे गांव में कहेगी कि मेरी पोता बहू को रोटियां बनानी नहीं आती। नहीं माँ जी, मेरे रहते हुए आप खाना बनाएंगी, अच्छा नहीं लगता है, आप विश्वास रखिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज रोटियां ना जले। नहीं नहीं रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी, अपनी सास के सामने अपना तमाशा बनाने से अच्छा है खुद ही बना लूं। एक काम करती हूं, पहले रोटियां ही बनाकर रख देती हूं, बाकी खाना तू बाद में बना लियो। देवकी इतना कहकर रोटियां बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वो लगभग सारी रोटियां बना लेती है। लास्ट की दो रोटियां सेकने को रह जाती हैं कि तभी कामिनी उसे आवाज देने लगती है। देवकी लास्ट की दो रोटियां अपनी बहू को सौंप कर चली जाती है और जब तक वापस आती है रश्मि दोनों रोटियां जला चुकी थी। तभी देवकी उसे कहती है, तू कह रही थी कि सारी रोटियां बना लेगी, तुझसे बिना जलाए तो दो रोटियां नहीं बनती, सारी रोटियां बनाने चली, हट सामने से, किसी काम की नहीं है, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गई। देवकी और रश्मि की सारी बातें रसोई के बाहर खड़ी कामिनी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो रश्मि के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर रसोई में उसे लेकर आती है। चल आज मैं तुझे बताती हूँ कि अच्छी और बिना जलाए रोटियाँ कैसे बनाते हैं। मुझे पता है तुझे रोटियाँ बनाना नहीं आता, मैंने कल तेरी सास और तेरी सारी बातों को सुन लिया था और तू उस बात पर ध्यान मत दे, उसे तो खुद चूल्हे पर रोटियां बनाना नहीं आता, उसे भी मैंने सिखाया है। कामिनी की बात सुनकर रश्मि हंसने लगती है, जिसके बाद कामिनी उसे बड़े ही प्यार से रोटियां बनाने का सही तरीका समझाती है और सारी रोटियां अपने सामने ही बनवाती है, जिससे रश्मि की एक भी रोटियां नहीं जलती। ये देखकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दादी आपने कितने अच्छे से रोटियां बनाने का तरीका बताया कि मैंने एक बार में ही सीख लिया, काश आप पहले आ गई होती तो मुझे अपनी सास से रोटियां जलाने वाली बहू का ताना नहीं सुनना पड़ता। कोई बात नहीं बहू, अब तो सीख गई है ना तुम, अब तुझे ताना नहीं सुनना पड़ेगा। कामिनी और रश्मि की बातें रसोई के बाहर खड़ी देवकी सुन रही होती है, जिसे सुनकर देवकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है, साथ ही उसकी बिना जली हुई रोटियों को देखकर उसकी तारीफ भी करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।